सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पैटर्न पर, जो कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल अपना जो मॉडल पेपर जारी किया था उसी पैटर्न पे हम लोग आज जो है हिंदी 100 मार्क्स के जो है क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और साथ में इसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरी तरह से देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और सारे मैंने न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। तो जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, सो वीडियो को आप लोग एक बार अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश किए, देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुका है, क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार थे, बताएंगे जल्दी। एक का क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है, जल्दी बताएंगे एक का क्या हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका आंसर से जो करेगा भारतेंदु युग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। दो का क्या हो जाएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलो दो का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग का 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करना है ना, तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा तेजी से करेंगे, इसलिए आप लोग तेजी से कमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपका आंसर जो है पूरी तरह से हमारे तक पहुँच सके और आपको पता चल जाए कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो तीन का क्या होगा, तीन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलरी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर क्या क्या देखिए, कह रहा है कि इन चंद्रधर शर्मा जो है गुलरी का मूल निवास स्थान स्थल जो है कहाँ था, जल्दी बताएंगे। फोर का क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छा, फोर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो जो भी सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल में, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना और ऑल में क्लिक करके करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग को लाइव का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है और साथ ही वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो इसलिए ऑल कर लेंगे। और जो वीडियो को लाइक नहीं किया देख लो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर फाइव, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था, जल्दी बताएंगे। फाइव का क्या होगा, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है किसने दिया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। फाइव का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा, वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, बिल्कुल अच्छा है, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, जल्दी बताएंगे। सिक्स का क्या होगा, ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, सिक्स का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, 1974। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव सेवन देखो, किस पार्ट में कहा गया, किस पार्ट में कहा गया है जिस पुरुष में नरित्व नहीं अपूर्ण है, ये कौन से पार्ट में कहा गया आप लोग बताना है, बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो लाइव देख रहे हैं लाइव में बताएंगे, जो अगर ऑफलाइन देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, कमेंट करेंगे ताकि आपका पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि कितने क्वेश्चन आप जो है सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबको कमेंट करेंगे, कमेंट करने से आपका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो सेवन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, अर्धनारीश्वर। और आपको पता भी चल जाए कितने क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट बताएंगे कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाया। क्वेश्चन एट देखो, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे जल्दी, तुरंत सबको कमेंट करेंगे। चलो वेरी गुड, एट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह धनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, कह रहा है कि अगय का पूरा नाम बताएंगे, अगय का पूरा नाम क्या है, अगय का पूरा नाम इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, जल्दी बताएंगे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, सचिदानंद जो है हरिधन एंड वात्स्यायन अगय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दस देखो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस पार्ट में आया है, तीन बज गए, चार बज गए, ग्यारह बज गए, कौन से पार्ट में आया है, आपको चुनना है ऑप्शन यहाँ पे और कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा 10 का, जल्दी बताएंगे सबको कमेंट करना, ठीक है। चलो वेरी गुड, 10 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस पार्ट की उक्ति है, किस पार्ट की उक्ति है क्या है कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ये कौन सी पार्ट की उक्ति है, जल्दी बताएंगे। 11 का क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, जल्दी तेजी से सबको कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, 11 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, ठीक है, एक लेख और एक पत्र, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो क्या कह रहा है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, कोशिश करें कि सबसे पहले आपका आंसर आए, ठीक है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक जो है कौन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। 12 क्या होगा, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, 12 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे जल्दी, तुरंत कौन सा ऑप्शन से होगा, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, चलो शाबाश, तेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए बता रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, जगदीश चंद्र मथुरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए कह रहा है कि चोर जो है कैसे ताल है, चोर जो है वो कैसे ताल है, आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताएंगे 14 का क्या हो जाएगा, सबको कमेंट करेंगे, ठीक है। देखो आप लोग लाइक नहीं कर दो, इतने बार बोलते हैं फिर भी लाइक नहीं कर दो, लाइक कर दो जल्दी ताकि मोटिवेट मिले और आप लोग के लिए इस तरह लाइव क्लास लेके आए, आप ही लोग कह जाते हैं आप ही लोग लाइक नहीं कर दो, जल्दी लाइक करो, क्या इंतजार करो, जल्दी करो, इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। 14 का क्या होगा, 14 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उथले।
चलो देखो अभी हम इंतजार कर लेंगे, अभी तक लाइक नहीं करो, जल्दी लाइक करो जो जो बचा है। क्वेश्चन है 15, सिपाही की माँ जो है निम्नांकित में से कौन है, सिपाही की माँ जो इनमें से कौन है, जल्दी बताएंगे 15 का जल्दी बताएंगे। चलो वेरी गुड, 15 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिस्नी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर बी बिस्नी। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16, तो कह गया मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है, क्या नाम था, जल्दी बताएंगे मोहन राकेश के बचपन का नाम, जल्दी बताएंगे तुरंत, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन देखे ऑनलाइन देखे, नीचे कमेंट बॉक्स रखा हुआ, जल्दी कमेंट करेंगे। चलो बहुत अच्छा, 16 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करें तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ हमने भी लाइव में जुड़ा है, जो जिसका लाइव छूट गया ना बाद में देख रहे हो ना, तो वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि पता चल पाएगा हाँ हमने भी लाइव में जुड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, जल्दी बताएंगे 17 का क्या होगा, परगीत और समाज शीर्षक निबंध जो है किस पुस्तक से ले गया है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चार दिया हुआ है, बताएंगे जल्दी, चलो जल्दी तुरंत फास्ट, बोलो बहुत अच्छा शाबाश। ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा ना, हाँ ए हो जाएगा, वाद विवाद संवाद, देखो ये जो मिस्टेक करो ना अपना आंसर सही करो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, वाद विवाद एंड संवाद, एंड नहीं है मतलब हम ऐसे बोल रहे, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है 17 का ए। चलो बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जूठन क्या है, जल्दी बताएंगे जूठन जो है क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर जल्दी बताएंगे तुरंत, सबका मानना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी डी बता रखा है, वेरी गुड, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि मलयज ने किस विषय में एमए किया था, मलयज ने जो किस विषय में एमए किया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 19 क्या होगा, जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन में जल्दी तुरंत, सबका कहना चाहिए, वेरी गुड शाबाश। ऑप्शन नंबर बी जो है अंग्रेजी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, जल्दी बताएंगे 20 का क्या होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन इसके लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। चलो शाबाश, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलयज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 कह रहा है कि त्रिज कहानी किस प्रकार की है, जल्दी बताएंगे त्रिज कहानी जो किस प्रकार की है, फास्ट तेजी से सबका मानना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, 21 का क्या होगा, 21 का ऑप्शन जिन्होंने भी यहाँ पे ए बता रखा है, बहुत अच्छा, क्या होगा उत्तर आधुनिक जो है त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन बाय द वे कह रहा है कि किस पाठ में उक्ति आई है, किस पाठ में उक्ति आई है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता, ऑप्शन आपके स्क्रीन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे 22 का। चलो सबको कमेंट करेंगे, वेरी गुड शाबाश, ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे शिक्षा, जिसका मिस्टेक हुआ सही कर लो। क्वेश्चन 23 देखो, कहा कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा था, जल्दी बताएंगे, काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है, शिक्षा शीर्षक निबंध जो है वो किसने लिखा था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 23 का क्या होगा, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड शाबाश। 23 का जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो कि सबका डिफरेंट टाइप का आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है, सबका ऐसे होना चाहिए, ये हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन जो देखो, जायसी किस शाखा के कवि थे, जल्दी बताएंगे जायसी जो किस शाखा के कवि है, ऑप्शन आपके स्क्रीन में 24 का क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलो सबका कहना चाहिए, वेरी गुड शाबाश, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, जिसका मिस्टेक हो सही करो जल्दी, प्रेम मार्ग जगह, ठीक है, जो जो गलत कर रहे हो ना ऑप्शन नंबर सही करो उसका, याद रखो प्रेम मार्ग जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, जल्दी बताएंगे 25 का क्या होगा, ए होगा बी होगा सी होगा फिर डी होगा, जल्दी तुरंत फास्ट कमेंट करके सबको। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्या कह रहा है, किसने सूरदास से कहा, सूर है कि ऐसे घिघिया कहे हो, ठीक है, किसने कहा था, और आगे भी दिया हुआ है कछु जो है भगवत लीला वर्णन करो, बताएंगे 26 को एक बार अच्छी तरह से आठ बार पढ़ लीजिए और बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो जो जो आप लोग तैयारी नहीं करें तो आप लोग पहले वीडियो के मतलब जो अभी लाइव समाप्त हो जाएगा ना, तो आप लोग जाना है गूगल में, लिखना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, ठीक है, क्या लिखेंगे बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, ध्यान से सुन लीजिए, जाके लिखेंगे, और जो है सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज चालू कर दी है, जहाँ पे आप खुद से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, 26 क्या होगा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पे देखो सबका डिफरेंट टाइप करा, ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु वल्लभाचार्य, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है, जल्दी बताएंगे सूरदास किस भाषा के कवि है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 27 क्या होगा। चलो बहुत अच्छा, क्या लगेगा 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखें क्या लगेगा ऑप्शन नंबर बी, बज्र भाषा, ठीक है, क्या लगेगा ऑप्शन नंबर बी बज्र भाषा। चलिए 28 हो, क्या कह रहा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएंगे, जल्दी बताएंगे 28 का क्या होगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम, जल्दी बताएंगे सबका कहना चाहिए, वेरी गुड शाबाश। 28 का क्या होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रखा है, बहुत अच्छा, क्या होगा नर हरिदास, याद रखेंगे। चलो जिसका मिस्टेक हुआ सही करो। चलो 29 हो, कह रहा है कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार में से कौन है, जल्दी बताएंगे 29 का क्या होगा, ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा, फास्ट करेंगे 30 का मांगेंगे ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर कर सके, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा तुलसीदास। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाभादास जो किस युग के भक्ति कवि थे, जल्दी बताएंगे नाभादास जो किस युग के भक्त कवि थे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 30 का क्या होगा, जल्दी कमेंट करेंगे, तेजी से सबका आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, सबका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, क्या होगा
भक्ति काल। आगे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, जल्दी बताएंगे भूषण को जो भूषण की उपाधि किसने दी थी। आपके सामने स्क्रीन पर चार ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा 31 का। चलिए जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, 31 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राजा रुद्र शाह, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 करा है, जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताएंगे 32 का क्या होगा, जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी तुरंत सबका क्या बनाना चाहिए, ठीक है, चाहे ऑफलाइन देखो, जैसे बार बार बोल रहा हूँ, चाहे ऑफलाइन देखो या फिर ऑनलाइन देखो, कमेंट बॉक्स नीचे रखा हुआ ताकि प्रैक्टिस पूरी तरह से हो जाएगा। बहुत अच्छा, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है 32 का, क्या होगा ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे देखो सबका डिफरेंट टाइप का, वाराणसी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी का वाराणसी, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 देखो कि पुत्र वियोग जो है शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है, बताएंगे जल्दी सबका सही आंसर आना चाहिए 33 का क्या होगा, जल्दी सबको कमेंट करेंगे, वेरी गुड। देखो यहाँ पे कुछ कुछ लोग मिस्टेक भी करो, यहाँ पे सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा मुकुलन मुकुल हो जाएगा ना, याद रखेंगे बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति जो है वर्णन से संबंधित कविता क्या है, इनमें से जल्दी बताएंगे 34 का सबका आना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, 34 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उषा, ठीक है। जो हम लोग ये जो है स्पीड लाइव क्लास है तो यहाँ पे हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पे आंसर देने की, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक यहाँ पे आंसर सबसे पहले मेरे पास आए। चलिए 35 देखो, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, जल्दी बताएंगे 35 का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी बताएंगे तुरंत सबका बनाना चाहिए, वेरी गुड शाबाश। 35 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, अधिनायक, अधिनायक शीर्षक कविता या कवि का नाम बताएंगे, जल्दी बताएंगे 36 का क्या होगा, सबका कमाना चाहिए, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप लोग लाइक नहीं करो, बार बार बोल को बोल रहे लाइक करो, जल्दी 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 लाइक करो, इतने कम लाइक, इतने लोग दिख रहे हो, इतने कम लाइक, जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक करो, इतने बार बोल रहे फिर भी लाइक नहीं कर रहा है, जो जब तक लाइक नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी बताएंगे जल्दी लाइक करो, चलो सबको लाइक करो, हाँ बताएंगे 36 का, वेरी गुड, 36 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जो ए रखा है बिल्कुल सही, देखो अभी तक लाइक नहीं करो, कितना बार बोलना पड़ेगा। 37 कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताएंगे 37 क्या होगा, ए होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा, चलो वेरी गुड शाबाश, 37 क्या होगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणों उत्तर प्रदेश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, जल्दी बताएंगे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए जल्दी 38 का क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करेंगे फास्ट, वेरी गुड क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर 38 क्या होगा, चलो जिन्होंने भी बताया बहुत अच्छा, क्या होगा कर्म का, याद रखेंगे क्या होगा कर्म का, जिसका मिस्टेक हुआ सही करो जल्दी। 39 कह रहे प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, सो बताएंगे जल्दी 39 का क्या होगा, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है, हम ऐसे देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए, चलो बहुत अच्छा 39 का बी हो जाएगा ना, चलो हाँ सब कुछ हो, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, 39 का बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा बी शाबाश। चलिए 40 देखो खेत रहना, खेत रहना शब्द का अर्थ बताएंगे जल्दी, खेत रहना इस शब्द का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 40 क्या होगा जल्दी बताएंगे, सबका कमेंट आना चाहिए, बार बार आपको बोल रहे हैं, चाहे ऑफलाइन देख लो या ऑनलाइन देख लो, कमेंट बॉक्स नीचे रखा है ताकि प्रैक्टिस पूरी तरह से हो जाएगा, बहुत अच्छा वेरी गुड शाबाश। 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा, जिन्होंने भी 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बताया, बहुत अच्छा क्या होगा मारा जाना। चलिए क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है कि हार जीत कविता के कवि का नाम बताएंगे जल्दी, हार जीत कविता के कवि का नाम क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे 41 का, चलो वेरी गुड शाबाश। 41 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बताया जाएगा, बी क्या होगा बी अशोक वाजपेयी, चलो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएंगे जल्दी बताएंगे, 42 का क्या होगा, गांव का घर शीर्षक कविता के कविता का नाम क्या होगा जल्दी बताएंगे, चलो बहुत अच्छा। 42 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, हाँ ज्ञानपति ऑप्शन नंबर ए। चले क्वेश्चन नंबर जल्दी हो, पहला सम्मान ज्ञानपति को कब दिया गया था, जल्दी बताएंगे पहला सम्मान जो है ज्ञानपति को कब दिया गया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 43 क्या होगा, जल्दी कमेंट करेंगे सब कोई करेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा वेरी गुड बी हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2006। चलो क्वेश्चन 44 कह रहा है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएंगे, पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। आप लोग कमेंट से ही आपका पूरा प्रैक्टिस होने वाला है, यहाँ पे आपको कोई ऐसे देखने प्रैक्टिस नहीं होगा, सिर्फ कमेंट्स होगा, तो आपको पता चल पाएगा हाँ मैंने जो कमेंट किया मेरा आंसर बिल्कुल सही है। पता है कब खुशी होता है, जब आप किसी चीज़ का आंसर सोचते हैं उसका आंसर देते हैं, देने का जब आपका सही वो निकलता है ना, तो आप अपने अंदर बहुत खुशी होता है, इसलिए आप लोग अपने अंदर खुशी लाना है तो फिर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलो बहुत अच्छा, 44 का क्या होगा, चलो बहुत अच्छा 44 का ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे सबका डिफरेंट टाइप का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी लोपेज। चले आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 हो कह रहा है कि हेनरी लोपेज जो कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बताएंगे
हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले, जल्दी बताएंगे। 45 का सबका कमेंट बार बार बोल रहे हैं, सबका कमेंट चाहिए। चलो बहुत अच्छा, 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कांगो, जो कि अफ्रीका में कहाँ हो जाएगा, कांगो। चले 46 का क्या, सब्ज बाग जो दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताएंगे। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चलो सबका कमेंट आना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे सबका डिफरेंट टाइप का आंसर आ रहा है। 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। लालच देना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, जिसका मिस्टेक हुआ सही करो, लालच देना हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 47 यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी बताएंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर काफी जी क्वेश्चन था ना, चलो हाँ 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो स्वावलंबी होना, चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कहता है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, जल्दी बताएंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा 48 का, जल्दी बताएंगे। चलो बहुत अच्छा, 48 का शाबाश, ऑप्शन नंबर ए होगा, डिंग हाकना, काफी जी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर देखो, जीत चुराना का अर्थ क्या होगा, जीत चुराना का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताएंगे। 49 का सबका कमेंट आते हैं, 49 का जीत चुराना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर बी जो है किसी काम से भागना, ठीक है, याद रखेंगे, जिसका मिस्टेक हो सही करो, और ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताते हो कि ईट का जवाब पत्थर से देना, बताओ तो जल्दी, ईट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सबको कमेंट, सबको ही कमेंट करो। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, 85 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाँ ए हो जाएगा, ठीक है, किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जुड़ में ए बता रखा है, बहुत अच्छा। चलो यहाँ पे हम लोग जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और अगला 50 क्वेश्चन हम अगले लाइव सेशन समाप्त करेंगे। सो इसलिए आप लोग जो जो अभी तक लाइक नहीं, अभी तक इंतजार किस चीज़ है, देख लो जल्दी जल्दी लाइक करो, इतने देर तक मैंने लाइव में बोल थक चुके लेकिन आप लोग लाइक नहीं करो, जल्दी जल्दी लाइक करो और अपने जो फ्रेंड है उसके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, और जो जो आप लोग तैयारी नहीं किए गूगल में जाओ, लिखो बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, ठीक है, क्या लिखना है, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, BORD बोर्ड, PARIKSHA परीक्षा एंड वेबसाइट WEBSIT, ठीक है, ये लिखेंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करना है, और क्लिक करने का सारा तैयारी ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। चलो यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।